Good morning, students. We were reading about the sectors of the Indian economy. Today we start factors responsible for the growth of tertiary sector. Factors responsible for the growth of tertiary sector. ये की कौन-कौन से factor हैं जो कि tertiary sector की जो growth है उसके लिए उत्तरदायी हैं. Basic services. First point आपका इसमें है basic services. आपने अपनी बुक में जो इन एनी कंट्री सेवरल सर्विसेज सच एज हॉस्पिटल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज पुलिस स्टेशन पोर्ट विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन डिफेंस ट्रांसपोर्ट बैंक इंश्योरेंस कंपनी एटसेट्रा आर रिक्वायर्ड दीज कैन बी कंसीडर्ड एज बेसिक सर्विसेज. अब आपने देखा मैंने जो जितनी भी चीजें पढ़ी पढ़ाई बताई आपको जैसे हॉस्पिटल है एजुकेशन है पोस्ट ऑफिस है टेलीग्राफ ऑफिस है पुलिस स्टेशन है कोर्ट है विलेज है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है डिफेंस है ट्रांसपोर्ट है बैंक्स है इंश्योरेंस कंपनी है एटसेट्रा एटसेट्रा आर रिक्वायर्ड जिनकी भी जरूरत होती है दीज कैन बी कंसीडर्ड एज ए बेसिक सर्विसेज. इन developing countries the government has to take responsibility for the provision of these services. अब आपने देखा होगा जो developing countries है इसमें जो responsibility है वो सरकार लेती है इन सेवाओं को प्रदान करने का developing countries. As more people are being employed to provide basic services to the people, the share of tertiary sector in GDP is increasing. अब एंड मोर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है एम्प्लॉय किया जाता है बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए ताकि जो द पीपल द शेयर ऑफ टेरिटरी सेक्टर इन जीडीपी इंक्रीजिंग ताकि जो टेरिटरी सेक्टर का जो जीडीपी है वो बढ़ता चले जाए. मैंने आपको उसने बताया 53.66 समथिंग ये बढ़ता रहता रहता है तो इसकी परसेंटेज जो है सर्विस सेक्टर आज हमारे जीडीपी को योगदान करता है. डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सेकेंड फैक्टर इसका ये है कि ये क्यों ज़्यादा बढ़ता जा रहा है क्योंकि हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करेंगे. डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज. आपने देखा होगा जब हमारा एग्रीकल्चर का और इंडस्ट्रीज का जो है डेवलपमेंट होगा तो उससे क्या होगा जो सर्विस सेक्टर है यानी कि जो हमारी जो सेवाएं हैं वो भी बढ़ेगी जैसे ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन ट्रेड. अब एग्रीकल्चर ज़्यादा होगा ज़्यादा ट्रांसपोर्ट लगेगी ज़्यादा फैक्ट्रीज होंगी ज़्यादा ट्रांसपोर्ट चाहिए तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमें तो इससे जो है टेरिटरी सेक्टर को बढ़ावा मिलता है और दी जा रहा है टेरिटरी सेक्टर क्योंकि ये सब सेवाएँ जितनी भी हम देंगे वो टेरिटरी सेक्टर के अंडर है. थर्ड मोर इनकम मोर सर्विसेज पर कैपिटा इनकम इन आवर कंट्री इज राइजिंग. अब जो आपने देखा होगा कि जो हमारी कंट्री की जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ती जा रही है एज इनकम लेवल राइजेस जैसे जैसे इनकम का लेवल बढ़ेगा पीपल डिमांड मोर सर्विसेज. जब इनकम ज़्यादा होगी सर्विसेज सेवाएं ज़्यादा डिमांड करेंगी लाइक जैसे टूरिज्म है आपने देखा होगा ताजमहल में जाते हैं आप या हिल स्टेशन में जाते हैं हिमाचल में या उत्तराखंड में तो वहाँ के जो हिल स्टेशन है वहाँ पर जब ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन के साधन उनकी जरूरत पड़ेगी तो वो क्या सेवाएं देने में होगी उनको इसमें क्या इससे क्या होगा जो हमारा टेरिटरी सेक्टर है वो ग्रोथ करेगा. टूरिज्म शॉपिंग सेंटर्स स्कूल्स प्रोफेशनल ट्रेनिंग सेंटर बैंक एटसेट्रा जो है ज़्यादा बढ़ेगी. कैसे जब ज़्यादा इनकम होगी ज़्यादा सेवाएं बढ़ेंगी. तो नेक्स्ट फैक्टर है न्यू सर्विसेज विद मॉडर्नाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. अब विद मॉडर्नाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन सम न्यू सर्विसेज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैव बिकम इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल. अब आपने देखा आईटी सेक्टर की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है वो आजकल जो है बहुत आगे मॉडर्नाइजेशन आधुनिकीकरण में जो है बढ़ती जा रही है सेवाएं जो है नई नई सेवाएं प्रदान की जाती है तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है. द प्रोडक्शन ऑफ दीज सर्विसेज हैव बीन रेजिंग रैपिडली
अब जो है ये जो इनकी जो प्रोडक्शन है इन सेवाओं की वो लगातार वृद्धि करती जा रही है, तेजी से बढ़ी। फाइनली यू मस्ट रिमेंबर दैट नॉट ऑल ऑफ द सर्विस सेक्टर इज ग्रोइंग इक्वलीवेल। अब इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017-18 में जो है ये आ चुका है फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ टर्शियरी सेक्टर, या कई बार फीचर्स भी पूछ लेते हैं फीचर्स ऑफ बेसिक सर्विस टर्शियरी सेक्टर की, तो आप यही देखेंगे। फाइनली यू मस्ट रिमेंबर दैट ऑल ऑफ द सर्विस सेक्टर, अब आपने देखा होगा कि सारे का सारा जो सर्विस सेक्टर है वो सारा एक बराबर रूप से नहीं बढ़ता है, बराबर रूप से नहीं ग्रो कर रहा। सर्विस सेक्टर इन इंडिया इंप्लाइज मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। अब इसमें क्वेश्चन बन जाता है कि जो है ऑल ऑफ द सर्विस सेक्टर इज ग्रोइंग इज नॉट ग्रोइंग इक्वली वेल एज अ स्ट्रेट, तो सर्विस सेक्टर इन इंडिया इंप्लाइज डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। अब इसका आंसर यही है कि सर्विस सेक्टर इन इंडिया इम्प्लॉय मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, कई प्रकार के लोगों को सर्विस सेक्टर जो है इम्प्लॉय रोजगार देता है। एट वन एंड देयर आर लिमिटेड नंबर्स ऑफ सर्विसेज, अब आपने देखा एक तरफ तो बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विसेज होती है दैट इम्प्लॉय हाईली स्किल्ड एंड एजुकेटेड वर्कर्स, अब वहां पर बहुत हाई एजुकेटेड और स्किल्ड चाहिए होते लोग, जो आपने देखा होगा जब बड़ी बड़ी फर्म होती है अब उनके लिए कोई डीएम होता है, कोई मान लो बड़े बड़े इंजीनियर होते हैं, तो उनको उनके जो है ये जो सर्विसेज होती है वो लिमिटेड होती है, तो उसके लिए एम्प्लॉई जो हाई स्किल्ड और एजुकेटेड चाहिए होते हैं। एट द अदर एंड, अब दूसरी तरफ देखना देयर आर ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स, अब एक तरफ तो आपने देखा कि जो कम सर्विसेज होती है जहाँ पर वहाँ पर अधिकारी जो तो वहाँ पर क्या होते हैं हाईली स्किल्ड और एजुकेटेड लोग ही वर्कर रखे जाते हैं, लेकिन कुछ दूसरी तरफ जो है ऐसी ऐसी वेरी लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स, वहाँ पर बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स जो है सेवाओं में अंगेज होते हैं, सच है स्मॉल शॉपकीपर, रिपेयर पर्सन, ट्रांसपोर्ट पर्सन एटसेट्रा, दीज पीपल बेयरली मनी टू अर्न ए लिविंग। अब जो है आपने देखा होगा कि ये बहुत ही बुरी मुश्किल से जो है अपनी लिविंग को के लिए जो है गुजारा गुजरा कमा पाते हैं एंड येट दे परफॉर्म दी सर्विसेज, अब आपने देखा होगा कि अब उनका जब गुजारा नहीं चलता तो अब ये जो है ये वाली सर्विसेज प्रदान देते हैं परफॉर्म करते हैं बिकॉज नो अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी ऑफ वर्क आर अवेलेबल टू देम। अब हम मान लो जब अच्छा वर्क नहीं मिलता है तभी तो हल्का काम करते हैं, तो अब उसमें जो है उनको उनकी अर्निंग भी बहुत कम होती है, बड़ी मुश्किल से गुजारा चलता है लाइवलीहुड, तो हेंस ओनली वन ओनली ए पार्ट ऑफ दिस सेक्टर इज ग्रोइंग इट्स इंपॉर्टेंस, यू शैल रीड मोर अबाउट इन द नेक्स्ट सेक्शन। अब आपने जो है जब हम लाइव एंड के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें नेक्स्ट सेक्शन में हम जो है अगले ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसमें जो है आपने देखा कि सारे का सारा सेक्टर एक बिल्कुल बराबर जो है इक्वली क्या है ग्रो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक यूनिटी बेस्ड क्वेश्चंस एंड कॉम्पिटिटिव वर्क इन नोटबुक आल्सो, थैंक यू। Gracias.